Hey guys, welcome to my channel. Today I'm going to share with you another Nykaa haul. सेल के बाद मुझे कुछ लेना नहीं था, बट सडनली आई फेल्ट लाइक मुझे एक प्रोडक्ट यूज़ करनी है. श्योर नहीं थी, बट मैंने परचेज़ किया. तो देखते हैं कि वो प्रोडक्ट क्या है, और उसी की वजह से मैंने कुछ और प्रोडक्ट भी ऐड टू कर्ट किया जो मेरी विश लिस्ट पर थी. ख़रीदना नहीं था, बट फिर भी मैंने परचेज़ किया. तो कुछ सामान मेरे पास है जो शेयर करूँगी, कौन से सामान मैंने ख़रीदे हैं. ऑल आर माई फेवरेट्स जो भी है वो. तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस. तो इसी के लिए मैंने इतना कुछ ले लिया, मुझे सिर्फ यही लेना था. ये क्लेयर्स का जेंटल ब्लैक डीप क्लेंजिंग ऑयल है. तो मिक्स्ड रिव्यूज़ है यूट्यूब पे, गूगल पे. तो देखते हैं कि ये ऑयली एक्ने प्रोन स्किन पे कैसे काम करती है. ऑयली क्लेंजर्स यूज़ करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता. आई मीन आई फील गिल्टी यूजिंग ऑयल ऑन माई फेस, बट स्टिल विद अ ग्रेट होप आई विल यूज़ दैट एंड ऑल्सो विल शेयर रिव्यू. नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस सेटाफिल मॉइस्चराइजर. दिस इज़ देयर DAM डैम वर्जन. आई ऑल्सो यूज दिस, एंड इसका एक लोशन वर्जन भी है डिफरेंट. आई थिंक ये बेटर है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए, एंड इट डजेंट फील हैवी ऑन माई स्किन. सो गुड ऑप्शन, एंड ऑयली पीपल कैन गो फॉर दिस वन. नेक्स्ट मेरे पास है ये एक सेटाफिल का क्लेंजर. बहुत अच्छा क्लेंजर है. मैंने क्लेंजमी का क्लेंजर यूज़ किया था, वो भी काफ़ी अच्छा है, बट आई लाइक दिस मोर देन दैट. अच्छी क्वांटिटी भी आपको मिलती है, 125 आई थिंक 266 का पड़ा होगा मुझे. नेक्स्ट आई गॉट दिस इज अ फ्रीबी विथ सेटाफिल क्लेंजर. ये कितना क्यूट है, कितना छोटू सा है ना, मुझे बहुत पसंद आया. मतलब इसका जो पैकेजिंग है मुझे वो पसंद आया, बहुत अच्छा पैकेजिंग, आई लाइक इट. नेक्स्ट आई हैव दिस डॉटन की सीका का. ओके, सो आई एम नॉट रियली वेरी फैन ऑफ डॉटन की ब्रांड एंड देयर प्रोडक्ट्स. आई फाइंड देम अ बिट सस्पिशियस, बट लेट्स ट्राई देयर फेस वॉश. आई हैवन ट्राइड एनी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स बिकॉज एज आई सेड आई डिडंट वॉन्ट टू, बट लेट्स ट्राई वन ऑफ देयर प्रोडक्ट. कैसा है ऑफकोर्स रिव्यू दूंगी, क्योंकि ये सीका एंड सैलिसिलिक एसिड, ग्रीन टी, बहुत कुछ है इसमें. देखते हैं कैसा है मेरी ऑयली एक्टिव प्रोन स्किन के लिए. नेक्स्ट मेरे पास है फिक्स डर्मा शैडो SPF जेल. 30 SPF आई थिंक, हाँ 30+ ये SPF PA++. कितना अच्छा प्रोडक्ट है मैं आपको बता नहीं सकती. आई लाइक दिस मोर देन एकोलॉजिका और मोर देन एनीथिंग. आई थिंक रिक्विल का जो ड्राई टच वाला है उसके बाद मुझे ये वाला बहुत पसंद आया. दीज टू सनस्क्रीन्स आर लाइक माई ऑल टाइम फेवरेट. तो मैंने रीस्टॉक किया, ये एक मेरे पास अभी चल रहा है, ख़त्म होने को है, उसके बाद मैं इसको ओपन करूँगी और यूज़ करूँगी. आई यूज़ दिस व्हेन आई एम स्टेइंग एट होम, क्योंकि ये SPF 30 है. अगर आप बाहर जाते हो तो आई रिकमेंड यू टू यूज़ एटलीस्ट SPF 40 टू 50, ताकि आपकी स्किन को फुल प्रोटेक्शन मिले. नेक्स्ट मैंने ख़रीदा वन थिंग का ये सेंटेला एशियाटिका एक्सट्रैक्ट. एक अभी भी है जो मतलब ख़त्म होने को है, और ये एक और मैंने रीस्टॉक किया है. कुछ कैमरे में कुछ दिख नहीं रहा है, शायद सफ़ेद दिख रहा है. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरी स्किन को बहुत काम डाउन करती है. मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर वॉशिंग माई फेस बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है मुझे, बट ये बहुत अच्छी तरह काम डाउन करती है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मेरे लिए. तो दैट्स ऑल, मेरे पास कुछ यही प्रोडक्ट थे और मैंने जो ख़रीदे थे और मैंने आपके साथ शेयर किया. इनमें से एक दो प्रोडक्ट मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो यूज़ करने के बाद ऑफकोर्स रिव्यू दूंगी कि कैसा है, मेरी स्किन पे कैसी काम करती है. माय स्किन टाइप इज़ ऑयली एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव. लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आई होप आई वॉन्ट ब्रेक आउट. And if you're new to my channel, then please subscribe and hit the bell icon so that whenever I upload any video, you will be get notified.